वीडियो ले लेंगे अपन बस। ये निकला हुआ ये भी देखिए। रोलिंग। हाँ मैम रेडी रोलिंग। ओके थैंक यू मैम। सेटिंग। ओके रेडी मैम रोलिंग है एक्शन। विजुअल पूरा सर तो विजुअल। अरे वो लड़का हमने उसका फोटो मंगाया था वो तो बिजनेस तेरे ऊपर चिपक गया। थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं और एक बार महाराज की जय। राधे राधे राधे। पीछा भाई हेलो अभी ब्रेक कर दो। ये खत्म हुआ ब्रेक करो। आफ्टर ब्रेक डन। भाई भाई एक फोटो दे दो। तर्पया मिहि पादयो पादयम् हस्तयोर् अर्घ्यम् अर्घान्ते। आपकी किस तरह की भूमिका होगी और कितना साइज है मोबाइल पे? देखिए इन्होंने मुझे ऑफर तो की है ये भूमिका, मैंने कंफर्म नहीं की है अभी तक एंड हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो भूमिका तो डेफिनेटली अच्छी है, सबको पता है स्टोरी क्या है। तो भूमिका के बारे में मैं या मेरे रोल के बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूंगी जब हम कंफर्म कर लेंगे कि भाई हम लोग मैं कर रही हूँ ये सीरियल। इस वक्त तो मेरा कुछ कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं खुद अपनी सीरियल बना रही हूँ धरती पुत्र नंदिनी नज़ारा पे है और मेरे पास थोड़ा समय का कंस्ट्रेन है, वरना मैं ज़रूर इनके साथ काम करती। बहुत समय से मुझे काम करना भी है उनके साथ। परशुराम भी जब उन्होंने बनाया तब हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर कोई रोल है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ था। लेकिन मैं इच्छा तो रखती हूँ कि इस बार इनके साथ काम करूँ, तो जब होगा तब देखा जाएगा। बट मैं खास इसलिए आई हूँ कि मैं अपनी शुभकामनाएं उनको दे सकूँ और खूब अच्छे से बने और खुद बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा नाम रंजीत कमले, मैं इस शो का क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ और शो में बनाने में जितनी टीम है हमारी पूरी सब लोग मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बहुत काफ़ी टाइम से हम लोग रिसर्च टीम है हमारी पूरी, काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रहा है और सारी ऑथेंटिक चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कि मैम आई हुई है यहाँ पे, तो रामायण का जैसे जिक्र होता है वैसे ही काशी विश्वनाथ का भी फ्यूचर में जिक्र होगा डेफिनेटली। तो वही बस आपकी शुभकामनाएं चाहिए सर। पहले तो मैं दिलीप जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेरे बड़े परम मित्र हैं और इन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है काशी विश्वनाथ के ऊपर। मैं खुद इलाहाबाद का हूँ तो बनारस से एक अलग से ग्राउंड लगा हुआ है और लॉकडाउन में सबने रामायण का जो एक हिस्ट्री क्रिएट किया देखा, तो इसका मतलब है जनमानस चाह रहा है कि इस तरह का शो लगातार आए। तो दिलीप जी बहुत बधाई के पात्र हैं और रंजीत जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरह का अच्छा काम करते रहें और ये जरूर चले। हाँ और बेसिकली मैं इसमें रोल भी कर रहा हूँ, एक इंद्रदेव प्ले कर रहा हूँ। दिलीप जी क्या कहेंगे आप मैडम के साथ? आपका मैडम तो हमारी पुरानी परिचितों में है और ऐसे सीरियल में मैडम कुछ चाह रही है कि इसमें करें, कुछ है समय का भाव लेकिन एडजस्टमेंट होगा तो सही है। साथ में आशीर्वाद है उनका, रवि जैन के हमारे गुरु थे, तब से सबका परिवार जैसा माहौल था, कोई बात नहीं है। मैम का थोड़ा समय का भाव है, इनका खुद का सीरियल चल रहा है, उसमें से मैम समय निकालेंगे और हम उसको देंगे समय। यही है मैम से आशीर्वाद चाहिए। सीरियल काशी विश्वनाथ में मैम भी अच्छी भूमिका के लिए हम लोगों ने चुना है, तो देखते हैं। थैंक यू।
यूज़ कर चुका हूँ, ओम नमः शिवाय, कृष्णा, महाबली, हनुमान और भी बहुत सारे, अभी मैं ये चाहते हैं बालाजी के, इसमें मैं ब्रह्मा का किरदार निभा रहा हूँ। और अब इसमें प्योर धार्मिक सीरियल, पूरा रिलीजियस है, और क्योंकि अभी तक शिव पे जो भी सीरियल बने उसमें शिव का पर्टिकुलर जो शिव मत मानते हैं उसके हिसाब से शिव और शक्ति दो अर्धनारीश्वर से दुनिया का सृजन हुआ, तो शिव ने विष्णु को दिया, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा ने दिया, और ये सीरियल भी शायद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि बनाई, उन्हीं के नाम अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद है, तो काशी विश्वनाथ पर्टिकुलर जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा पे ही केंद्रित ज़्यादा होगा, और उसके बारे में अभी तक ज़्यादा बताया नहीं गया, क्योंकि इन जनरल ही शिव जी के सीरियल बने हैं, शिवाय में भी 12 ज्योतिर्लिंग बताए थे, लेकिन इस पर पर्टिकुलर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी को बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छे क्रिएटिव डायरेक्टर्स भी हैं, राइटर्स की टीम भी है, शोध भी अच्छा हुआ है, और क्योंकि अब बन रहा है बिल्कुल अपडेटेड है, तो क्रोमा, स्पेशल इफेक्ट, डिजिटलाइजेशन, ये भी सब बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड होगा। नेक्स्ट वीक तक इसकी शूटिंग शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐतिहासिक सीरियल है, लोग माइथोलॉजिकल बोलते हैं, हमें माइथोलॉजिकल मिथ शब्द अच्छा नहीं लगता, हम तो इसको सच्चाई मानते हैं, तो देवी देवताओं वाले सीरियल्स में मैंने बाल कृष्णा, अभी राधा कृष्णा जो है चल रहा है उसमें भी किया, बाल कृष्णा में शुक्राचार्य किया, संकट भोजन महाबली हनुमान में मैंने विशर्वा ऋषि रावण के पिता का किया, और भी कई सीरियल्स वही तो लगे, और हिस्टोरिकल भी बहुत थे, लेकिन देवी देवताओं के ये कुछ सीरियल्स हैं, और मुझे बड़ा आनंद है। नमस्ते मैम, क्या कहना चाहते हैं मैम? सब बढ़िया मैम। आप कैसे हैं? बहुत बहुत कॉन्फ्रेशन आपको सेंट्रल लुक जो मुख्य भूमिका निभाई थी, उसके बाद आई थिंक हम खुद 4 या 5 साल के बाद फिर से काम कर रहे हैं साथ में, तो बस बहुत बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ,
बिकॉज इस शो को सबसे पहले हाँ करने का मेरा रीज़न यही था कि काशी विश्वनाथ जैसे सब्जेक्ट को मैं डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहती और डेट्स भी बहुत ही अच्छे से मैनेज हो रही है दिलीप जी के साथ मेरा एक बहुत ही अच्छी यू नो कंपैटिबिलिटी है एज अ प्रोड्यूसर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो दैट इज़ वेरी वेरी गुड एंड ऑफकोर्स मैं हमेशा ये मेरा फेवरेट डायलॉग है एक्चुअली मैं बनारस से हूँ काशी से हूँ तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जहाँ पर लोग मरने के लिए तरसते हैं उस जगह से मैंने जीना सीखा है तो जब मुझे ऐसी एक कोशिश करने को मिली कि मैं काशी के लिए कुछ कर पाऊँ तो डेफिनेटली मैं वो करना चाहती हूँ और बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि अपने पूरे जीवन काल में मुझे लगता है हर एक एक्टर को ऐसी भूमिका ज़रूर निभानी चाहिए क्योंकि आपके जहाँ से आप हैं वहाँ पे उस चीज़ को बहुत उजागर करें तो आई एम वेरी वेरी एक्चुअली ग्रेटफुल टू दिलीप जी कमला श्री फिल्म्स कि वो हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो मुझे हमेशा याद करते हैं एंड ही मेक श्योर और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर आपने ये शो नहीं किया तो मैं मीडिया पे ऐसा बोलूँगा कि विंध्या ने डेट्स के लिए और बजट के लिए ये शो नहीं किया और सब लोग फिर बोलेंगे कि काशी की रहने वाली और उसने ये शो नहीं किया तो उन्होंने मुझे लिटरली जब हमारी मीटिंग हो रही थी तो हमारी धमकी भरी उन्होंने मीटिंग की थी कि यू हैव टू डू इट बिकॉज यू आर फ्रॉम काशी आप लोगों ने मुझे कुछ दिनों पहले अभी कन्वर्जन फिल्म में देखा होगा जो कि काफ़ी सोशल मैसेज के साथ आई थी वो फिल्म इंडिया में बहुत कम थिएटर्स मिले थे लेकिन थिएटर रिलीज हुई थी और अच्छी उसको आईएमडीबी पे अच्छी रेटिंग भी मिली है और वो फिल्म साक्षी द कन्वर्जन नाम से यूके यूएस और कनाडा में भी रिलीज़ हुई जहाँ पर वो फिल्म हाउसफुल रही थी तो वहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो फिल्म किसी अच्छे ओटीटी पे आ सके सो दैट सब लोग उस फिल्म को बहुत अच्छे से देख पाए एंड आप लोगों ने लास्ट ईयर मेरी एग्जिट वेब सीरीज़ देखी जो कि अभी जियो सिनेमा पे है अगर आप लोग बस अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए जियो जो कि मैंने एज ए लीड की है और अभी मेरा एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च होने वाला है जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली हम मुलाकात करेंगे एंड मैं दो और वेब सीरीज़ कर रही हूँ और एक फिल्म कर रही हूँ साउथ की जो ऑलरेडी साइंड है पर वो तमिल तेलुगु में कर रही हूँ और इसी साल कॉन्ट्रैक्ट भी रिलीज़ हुई है जो कि अर्जुन सरजा और जे डी चक्रवर्ती के साथ में है जो कि हैदराबाद में उसका काफ़ी अच्छा प्रीमियर वगैरह हुआ था तो वो भी रिलीज़ हुई है तो काफ़ी कुछ महादेव की कृपा है और अच्छा हो रहा है सब कुछ और मैं चाहती हूँ कि इस शो में भी मैं लोगों का दिल जीत हर बार की तरह एंड आप लोग अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद ये सब लगे हुए हैं क्या कहना चाहेंगे आप बिल्कुल सबसे पहले आप सबको हम सबको बहुत बहुत बधाई क्योंकि गणपति बप्पा मोरिया चल रहे हैं और इस बार जो गणपति जी हैं वो राधे कृष्ण के रूप में हैं तो दिल से एक बार हम सब पहले बोलेंगे बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति राधे राधे बिहारी लाल जी की राधे राधे सो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये जो सीरियल है काशी विश्वनाथ ये पहली बार इस तरह से ये जो सीरियल भोलेनाथ जी के ऊपर बनने जा रहा है ये पूरी हिस्ट्री जो है ना काशी विश्वनाथ वो उजागर होने जा रही है लोगों को पता चलेगा कि काशी विश्वनाथ क्या है किस तरह से शिवलिंग की स्थापना हुई किस तरह से काशी नगरी की स्थापना हुई जिसे कि आप सबको पता है कि काशी नगरी जो है वो भगवान भोलेनाथ जी के त्रिशूल की नोक पर स्थित है और सबसे ऊपर है सो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें ये तो मैंने अपनी तरफ से देखिए हमारी जो भूमिका है हम सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि हम कमला श्री फिल्म से बहुत पहले से जुड़े हैं इनके साथ बहुत सारे काम किए इससे पहले का जो सीरियल है परशुराम भी किया उसके पहले लाल रेखा की एक दो वेब सीरीज की बहुत समय से जुड़े चले इसमें जो रोल है वो अभी बहुत ज़्यादा मैं उसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा लेकिन ये जो रोल है ये थ्रू आउट चलने वाला रोल है विश्वनाथ जी के रूप में कहाँ किस रूप में आते रहेंगे
ये थोड़ा समय बाद एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अभी ये डिस्क्लोज करना बाकी है, थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद फिर। और कोई कुछ पूछना चाहे शो के बारे में? काशी विश्वनाथ जी हैं, प्लीज़ प्लीज़ पूछिए। किसी का कोई सवाल? बहुत सारे लोग अच्छा कुछ भी मन में किसी के कोई कि काशी विश्वनाथ क्या है, ये सीरियल किस तरह का है, किस चीज़ के ऊपर है वगैरह वगैरह। आपका जो है क्या अनाउंसमेंट, कब से शूटिंग शुरू होगी? ये जल्दी से होने वाली है और कुछ एक पोर्शन है जो आज भी शूट करना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो रोल्स भी हैं इसमें बहुत अच्छे कलाकार और जुड़ने वाले हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और हमारी तरह से मैं आपको पता ही होगा कि मैं भी काफ़ी समय से काम करता आ रहा हूँ। सो धीरे धीरे सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि हमारे भोलेनाथ जी के ऊपर आप लोगों ने कई सीरियल देखे होंगे, ओम नमः शिवाय है, हर हर महादेव है, अभी भी शिव शक्ति चल रहा है, इस तरह के बहुत सारे सीरियल्स हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी का सीरियल ये पूरी हिस्ट्री लिए हुआ आएगा। पहली बार सबको ये पता लगेगा ये जो ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जी का, इसकी स्थापना से लेकर काशी विश्वनाथ की जो नगरी है और भी इतने सारे पहलू हैं इसमें कि मैं अभी क्योंकि डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इसकी बात है। लेकिन धीरे धीरे आप सबको सब बातें पता चल जाएंगी कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। थैंक यू। पहले तो सो जाओ जी। आप किस तरह से जुड़े हैं और किस तरह की भूमिका है? नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और काशी विश्वनाथ के मुहूर्त के उपलक्ष्य आपको यहाँ पर आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। काशी विश्वनाथ से जुड़ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा ये तमाशी फिल्म से इससे मैं पहले भी परशुराम के जरिए जुड़ चुका था, जहाँ पे मैं शुक्राचार्य का रोल प्ले कर रहा था और यहाँ पे मैं सप्तऋषि जैसे एक विशिष्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात उन्होंने दोबारा मुझे इसमें दिया। और वैसे मैं बता दूँ कि मेरी कुछ शॉर्ट फिल्में जो फर्स्ट टाइम कर लेकर उनको तकरीबन 151 अवार्ड मिल चुके हैं और मुझे 41 अवार्ड्स मिले हैं। और मैं दिलीप जी का और रंजीत जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विषय वस्तु ये जो है काशी विश्वनाथ, ये अपने आप में थोड़ा अनछुआ है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ये है। और इसके विषय में बात करना और इसकी गहराइयों के बारे में और लोगों को बताना, क्योंकि जनरली आप देखा जाए तो आजकल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है या बाकी जो जनरेशन है उनको रामायण और महाभारत की भी अंदर डिटेलिंग्स पता नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हैं काशी विश्वनाथ की, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और किस तरीके से हमारा जो माइथो है, हमारा जो पुराण है, उसके संदर्भ में बच्चों को युवाओं को जानना भी बहुत आवश्यक है। और बुजुर्ग भी जिनको और डिटेल पता नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते, बेसिकली आजकल क्या है कि हम विजुअल माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो पढ़ने की बजाय देखना पसंद करते हैं। तो देखने के माध्यम से ये एक बहुत बड़ी बात है जो कमलाश्री फिल्म्स ने काशी विश्वनाथ के रूप में हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए ला रहे हैं। और एज एन एक्टर भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस माइथोलॉजिकल सीरियल से और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी सीख पाएंगे। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम काजोल जनाना है और मैं इसमें दक्ष जी की वाइफ वर्णी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूं। मेरा नाम अनिल थापा है। सर मैं नमस्ते, मेरा नाम कृषा मंध्यानी है और मैं नमस्ते मेरा नाम ग्रुषा मंध्यानी है और मैं वाराणसी की देवी, दो देवियां हैं उसमें से एक देवी है देवी असी, उसका रोल प्ले कर रही हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिया दीवान है और मैं वर्णा का कैरेक्टर कर रही हूं वाराणसी देवी पे। वाराणसी देवी कितनी एक्साइटेड हैं आप लोग इसके सीरियल को लेकर? काफी एक्साइटेड है, स्टोरी जानने के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें मतलब मुझे पूरी स्टोरी तो पता नहीं है लाइक पूरे काशी विश्वनाथ जी की, तो एक्साइटमेंट तो है। और मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं महादेव भक्त हूँ, तो महादेव की स्टोरी पर, महादेव की कथा में
मुझे एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिल रहा है और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और जैसा कि काशी विश्वनाथ जी के ऊपर है, तो काशी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग है जो कि सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब कैसे बताऊँ, बता नहीं सकती वर्ड्स में, इतनी खुशी है। नहीं, मैंने इससे पहले काफ़ी काम किया है, मैंने कंगना जी के कैरेक्टर अलावा मैंने स्टार प्लस में एक सीरियल किया था, आपके मेरा जीवन का कैरेक्टर था, काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, काफ़ी एड्स किए हैं, अभी इंग्लिश एड में 19 उसके अलावा अभी चल रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आप ये शो कर रहे हैं और मैं गंगा माता का रोल भी प्ले कर रही हूँ। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे कि कहा जाता है कि काशी तो ये बहुत बड़ी खुशी है कि हम ये शो कर रहे हैं और इसकी कहानी लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैं भी स्टोरी जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी मम्मी स्पिरिचुअलिटी में है बहुत ज़्यादा, तो वो भी बहुत खुश हुई है कि मुझे इस चीज़ में मिला है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट माइथो शो है। ऐसे मैंने सीरियल्स वगैरह किए हैं बट माइथोलॉजी में मेरा ये फर्स्ट शो है। बाकी मैंने सीरीज में काम किया है, एड्स वगैरह भी किया है, सो रियली वेरी एक्साइटेड। थैंक यू, थैंक यू। बताते हुए क्या कैरेक्टर? मेरा नाम शिव यादव है। हेलो, काशी विश्वनाथ जो सीरियल हम लोग कर रहे हैं वो बेसिकली मैं काशी से हूँ, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ बता भी सकते हैं और कैरेक्टर को भी अच्छे से निभाया जा सकता है जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं डिंगी ऋषि का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो भगवान शिव के होते हैं। कोशिश करेंगे कि काफ़ी अच्छे से निभा पाएँ। मेरा नाम बिहान है, मैं अहमदाबाद रहता हूँ और मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ कि मैं सेम ही एज का हूँ पर बड़ा नहीं हूँ, और सेम एज में मैं 5 साल का हूँ। और भी कुछ किया है क्या? हाँ, बहुत किए, तेरी मेड हो गया, उम्र के स्किल क्या है, और मूवी भी बहुत की, योद्धा, बुशर्ट, टी शर्ट, पॉकेट ड्रेस एंड तेरी मेरी नमस्कार। मेरा नाम गोपाल वर्मा है और काशी विश्वनाथ को दिखने की मेरी कोशिश है, प्रयास कर रहा हूँ। शायद भगवान सदाशिव, मैं सदाशिव ही बोलना चाहिए, सदाशिव जी के चरणों में समर्पण करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं राइटर हूँ और इनकी बहुत सारी कथाएँ हैं जो अभी तक बहुत जगह जो सीरियल्स आए हैं उनमें कहीं दिखाई नहीं गई, और इसकी इस सीरियल की विशेषता ये है कि शिव की सारी लीलाओं को जोड़ते हुए काशी से संबंधित वो लीलाएँ हैं जो अभी तक कभी चित्रित नहीं की। इस सीरियल के माध्यम से लोग आप जानेंगे कि एक शिव का असली रूप जानेंगे, दूसरा काशी से उनका क्या संबंध है। काशी को यह माना गया है कि वो पृथ्वी से जुड़ी हुई नहीं, प्रलय के समय भी पृथ्वी से ऊपर रहती है, तो वो फिर कैसे पृथ्वी पे आई है, कैसे उसका विस्तार हुआ है, कैसे वो आज के ज़माने तक आई है, पौराणिक काल से लेके आज तक, उसका पूरा गहन अध्ययन करके, गहन रिसर्च करके, कुछ पंडितों से कुछ कुछ आशीर्वाद लेके तो ये प्रयास किया है मैंने। और बाकी हमारे जैसी शिव जी की इच्छा। नमस्ते जी, मैं स्वयं काशी विश्वनाथ सिंह के दरबार से ही हूँ और
मेरे में इसका थोड़ा सा शोध कार्य मुझे सौंपा गया है कि पौराणिक कथाओं में किसी भी प्रकार का कोई विवादास्पद कोई चिन्ह न रहे, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और उसके साथ साथ मैं सप्त ऋषियों में एक प्रमुख ऋषि जो है विशिष्ट उनकी भूमिका भी कर रहा हूँ। थैंक यू सर। आशुतोष सिंह है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अति और मेरा नायक जी माई गेस्ट हैं। और आज के शुभ अवसर पर मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि और ये प्ले कर रहे हैं कंटा सुरासुर का लोग प्ले कर रहे हैं और हम दोनों ही उनके प्रीवियस जो परशुराम सीरियल था उसमें इन्होंने रावण का रूप किया था। अभी बताएंगे आगे फर्दर की क्या है और काशी विश्वनाथ को किस तरीके से शंकर जी ने बचाया था इसके बारे में पूरा का पूरा ये शो है। और डेफिनेटली इस शो से जुड़ के हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। रंजीत जी दिलीप जी ने हम लोगों को मौका दिया वापस इस शो से जुड़ने का, ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और आगे की बात अति जी अपने श्री मुख से करें। जय श्री महाकाल, मैं हूँ आपका आकाश जिंदा। दिलीप जी ने पहले परशुराम किया था जिसमें मुझे रावण का कैरेक्टर किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि रावण का कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया। सेकेंड ये काशी विश्वनाथ कर रहे हैं जिसमें मैं कंटा दुर्ग का प्लेयर अभिनय कर रहा हूँ। दिलीप जी रंजीत जी इसके प्रोड्यूसर हैं पहले काफी और सबसे बड़ी बात ये कि ये अति जो जिन्होंने रावण का रोल प्ले किया था इनकी वाइफ का रोल उन्होंने प्ले किया था मंदोदरी का परशुराम में, तो उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में काम करेंगे हमारे साथ। और आप सभी मीडिया टीम का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। थैंक यू। इसी सब्जेक्ट में पीएचडी स्कॉलर, तो आप लोगों के प्रश्नों का ये जवाब देंगे और बाकी आइए आइए हमारे शो के गीत का सूरज जी हैं दर्शक जी हैं बाकी लोगों से भी परिचय का एक मिनट का समय दे दीजिए, मैं बोल देता हूँ नमस्कार। मैं गोपाल वर्मा काशी विश्वनाथ के सीरियल को मैं लिख रहा हूँ, मुख्य राइटर मैं हूँ। आप दिलीप जी हूँ, दिलीप शंकर जी आप इस सीरियल के प्रोड्यूसर हैं। आप डायरेक्टर शरद पांडे जी हैं, आप डायरेक्टर साहब हैं। आपने बहुत शोध किया हुआ है तो इनकी भी जो जो मदद हमें मिल रही है वो ले रहे हैं और आप ये शुभाशीष हम लोग सबको मिल रहे हैं। और बाकी आप लोग क्वेश्चन जो भी पूछें और आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाँ, मेरा पहला सवाल दिलीप जी से है। दिलीप जी, आप उस प्रेरणा के बारे में बताइए जिसने आपको मजबूर कर दिया कि ये शो आपको बनाना चाहिए। प्रेरणा काशी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ मोक्ष मिलना सौभाग्य की बात होता है और जन्म भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। मेरा जन्म भी वहीं हुआ तो मुझे लगा कि भाई जिस धरती पे मुझे जन्म मिला उस धरती की जो विख्यात है विश्व विख्यात में जो है उसको मुझे मैं स्पिरिट से जुड़ा था, जो मुझे लगा कि स्पिरिचुअल चित्र के माध्यम से धारावाहिक के माध्यम से उसकी कहानी को गाथा को लाना उचित होगा। तो सारे जनों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, उसमें कसर मिल कर रहा, 25 साल का सपोर्ट भी रहा। बाजी जैसे विद्वत राइटर जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स लिखे और इस कहानी को उन्होंने साल भर से बहुत अच्छे प्रयास से मेहनत से इसकी रचना, स्क्रीन प्ले डालो, फिर इसके लिए कास्टिंग,
थ्रू तय करना कि कौन बेटर कर सकता है इस काम को। उन्होंने पूरा प्रयास करके उस टीम को खड़ी करके आज से हमारा शुभारंभ हुआ। हमारे मामा जी हैं, आचार्य हैं, काशी के विद्वान आचार्यों में गिने जाते हैं, पंडित सुरेशन शुक्ल जी हैं। इन्होंने इस काशी से आके इसका शुभारंभ कराया और उन्होंने चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश निर्भिर रूप से इस धारावाहिक को विख्यात बनाएँ। अब आप लोग का सहयोग आशीर्वाद चाहिए। शूटिंग आज से शुरू है लेकिन इसका टेलीकास्ट 2024 से प्रारंभ होगा। ये बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे, दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पे, तमाम जो है कि इसको पूरे विश्व भर में सनातन संस्कृति का उदय कब हुआ, कैसे हुआ और हिंदू धर्म की मान्यता कैसे हुई। और हिंदू धर्म हमारा तो बहुत बड़ा विराट धर्म है, जिसमें कहते हैं कि इसमें 10 ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग फॉलो कर लें वो ईश्वर बन जाते हैं। उसी तरह जैसे कि संत हिसाब से भगवान बुद्ध ने अपनाया तो इतने बड़े विद्वान महान भगवान बन गए, गांधी जी ने सत्य के मार्ग पे इतने बड़े महात्मा कहलाए। तो हमारा हिंदू धर्म बहुत विराट और उसकी संस्कृति ही बड़ी विराट रही है। और लोगों में तरह तरह की कभी कभी मान्यता आ जाती कि नहीं ऐसे, तो इसमें पूरा क्लिफिकेशन के साथ गोपाल जी ने जैसा लिखा है हिंदू धर्म की उत्पत्ति से लेके इसके कहते हैं कि 4 युग होते हैं, 4 युग के बाद फिर सृष्टि की रचना होती है ब्रह्मा जी का। तो सारी चीज़ों को आप देखेंगे बहुत ही रोचक तरीके से। पात्र हमारे ऐसे लिए गए हैं कि जो लगेंगे कि नहीं पात्रों का चयन अच्छी तरीके से हुआ है। संगीत के लिए भी मूर्ति शर्मा अभी जिनकी गदर टू हिट हुई है, संगीत उनका है। और गीतकार के रूप में सुनील तिवारी जी हैं जो करीबन 10 साल से रविंद्र जैन के सहयोगी रहे हैं, उनके साथ काम किया उन्होंने। गीत वैसे ही उन्होंने परोसने का कार्य किया हुआ है सुरेश जी ने। और डायरेक्टर साहब ने भी गरुणा सीरियल किया हुआ है। बहुत सारी टीम अपनी परफेक्ट है, इसमें उन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस सीरियल को उतरे हैं। तो बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए ये सीरियल हिट हो और लोगों तक पहुँचे, अपना जो धर्म और संस्कृति है वो पहुँचे। और इसमें एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि अभी एक आप ज्वलंत मुद्दा देखे होंगे काशी का, ज्ञानवापी का जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर विश्वेश्वर शिवलिंग स्थापित है। वो शिवलिंग भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित किया गया था 7,000 वर्षों की तपस्या के बाद, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बना दिया। उसकी भी कथा है, इसमें आपको पता चलेगा कि वो जो शिवलिंग है उसके मस्जिद के अंदर वो भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित है, जिसे आदि विश्वेश्वर कहते हैं। अभी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित है, जब मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया। असली शिवलिंग और विश्वनाथ मंदिर उसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दहकाने में कैद है, जिसे हम उसकी कथा भी दिखाएंगे कि इस तरह उसका जीर्णोद्धार अब करना चाहिए हमें हिंदू धर्म वालों। डायरेक्टर साहब से एक प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि अधिकतम सीरियल को आपने देखा होगा तो उसे हाँ, तो इस काशी विश्वनाथ में आप किस तरह की विशेषता के साथ अपना निर्देशन करेंगे? एक्चुअली मेरा मानना है कि शो अपने आप में बहुत अलग और ये शो की खासियत ये है कि इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट काशी विश्वनाथ के ऊपर, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ जो भी जाता है, जो भी शरीर त्यागता है उनको मोक्ष मिलता है। और ये लिखा बहुत अच्छे तरीके से गया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा लिखा है उसे कहीं बहुत अच्छे तरीके से ना आप लोगों के सामने लेके आऊँ। उस काशी की जो महिमा है, काशी का जो महत्व है, वो आम जनता के सामने आए और तरीके से सामने आए। भाई यही मेरी इच्छा है, अपने तरीके से जो ऑथेंटिक मामला सामने आया बहुत ऑथेंटिक वो बस इतना है। गोपाल जी आपसे एक बहुत आखिरी प्रश्न मेरा, वो प्रश्न ये है कि असम तक मिथोलॉजिकल सीरियल तो बहुत चाहते हैं, लेकिन इसमें से वो कौन सी अनटोल्ड स्टोरी है, अनकही कहानी है जिसको आपने प्रस्तुत की? इसमें बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो शिव जी के बहुत सारे सीरियल्स में नहीं आ पाई हैं। शिव जी के अनेक लीलाएं रही हैं, काशी से जुड़ी तो बहुत सारी लीलाएं रही हैं। जैसे ये कार्य जो अभी हमारे किसी ने किया ज्ञानवापी पे आज तक किसी ने दिखा ही नहीं पाया। इवन गूगल पे भी उसकी असली कथा नहीं पड़ी हुई, गूगल पे भी सर्च करते हैं तो ऐतिहासिक कथाएं हैं। तो
ज्ञान वापी से लेके और भी बहुत सारी कथाएं, वहाँ करीब 1008 शिव मंदिर हैं जो शिव जी के बड़े बड़े तीर्थ कहलाते हैं पूरे काशी में। उनकी बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, सारी रोचक कथाएं हैं। एक और एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म ग्रंथों से बहुत समय से छेड़छाड़ करके उनको विद्रूप करने की कोशिश की है, और वो सारी की सारी जो विद्रूपता है वो निकाल के हम लोग कोशिश हमारी यही रहेगी कि उसका असली रूप, जो सनातन धर्म का असली रूप है, वो हम अपने इस सीरियल के माध्यम से सबके सामने लाएं, ताकि सब लोग जाने कि सनातन धर्म क्या है, शिव क्या है, सत्य क्या है। जो सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं वही इसमें पूरा का पूरा दर्शाया जाएगा। शिव जी की अनेक लीलाएँ हैं जिनको अभी तक नहीं दिखाया गया, वो रहेंगी, और शिव जी की प्रमुख सारी लीलाएँ भी इसमें रहेंगी। यही हमारा उद्देश्य है। सर एक यक्ष प्रश्न है कि ज्ञानवापी जो आज के समय का बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, इसके बारे में सिर्फ कुछ शब्दों में अगर आप बताएं, कुछ लाइनों बताएं, बाकी तो भविष्य के गर्भ में है, जब इसका फिल्मांकन हो जाएगा और पब्लिक लोगों के सामने ये प्रस्तुत होगा, क्योंकि बहुत ही मतलब ज्वलंत विषय है, इसलिए दो शब्द जरूर कहें। जी जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम अभी पूरी तरह से सबके सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि इस विषय में बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को। जो पंडित हैं, जैसे हमारे आपने बहुत शुभ किया तो आपको ज्ञान होगा। भैया के बगल बैठा, मुझे क्रैश कर दिया कृष्ण, भैया के बगल बैठा, मुझे बुरी बात बोल रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी असली कहानी को सामने अभी नहीं लाना चाहता हूँ, ताकि पब्लिक को जब हम दिखाएं तो उन्हें पता तो चले कि ये कहानी है। अभी जो गूगल पर पड़ी हुई है वो कहानी है सिर्फ, वहाँ की ऐतिहासिक कहानी के कब किसने वो मंदिर तोड़ा, कब किसने वो बनाया, कब किसने दीवार खड़ी की, कब किसने मस्जिद बना दी, वही सब गूगल पर पड़ा है। असली कहानी को अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि सबके सामने उसका क्लैरिफिकेशन हो। बाकी आप जो कहना चाहें बताइए। वैसे भी आपके थोड़ा सा हम परम पावन भूत भावन भवानी पति भगवान शंकर काशी विश्वनाथ की राजधानी त्रिलोक सुंदरी श्री काशी के मूल निवासी, जो भूतल में विराजमान होने पर भी स्वयं भूमि नहीं है, जो अधो भाग में स्थित होने पर भी स्वर्ग से ऊपर है, और जो भूमंडल में बद्ध होने पर भी मुक्ति का दान करती है, जिसमें मृत होने वाले प्राणी मात्र अमृत पद के अधिकारी हो जाते हैं, जिसे त्रैलोक के पावन श्री गंगा के पावन तट पर देवगण सदैव सेवते रहते हैं, वही त्रिप्रांतक काशी विश्वनाथ की राजधानी श्री काशी अज्ञान रूप विपत्ति से संपूर्ण जगत की रक्षा करने के साथ साथ हमारे समस्त उपस्थित भाइयों, हमारे कलाकारों और हमारे पत्रकार बंधुओं की रक्षा और सुरक्षा करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। सर रिसर्च मैंने जो किया, मेरे जिंदगी के 28 साल गुजर गए कि व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काशी, काशी है क्या, काशी की उत्पत्ति भगवान सदाशिव शंकर ने कब किया, क्यों किया, किसने किया, तीनों लोग चौदह भुवन में काशी परमोत्तम क्यों मानी जाती है, दुनिया के कोने कोने से लोग काशी में क्यों आना चाहते हैं, संपूर्ण संसार का विनाश संभव है लेकिन काशी का विनाश क्यों नहीं, काशी अविनाशी क्यों है, पूरे ब्रह्मांड में मात्र काशी में मोक्ष क्यों मिलता है, दुनिया के किसी भी कोने में मरने वाले व्यक्ति की लाश को जलाकर उसकी अर्थी की राख को काशी के गंगा में विसर्जित करने के लिए लोग क्यों जाते हैं, इस तरह के करीब 4,500 प्रश्नों का उत्तर चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने भी मैथोलॉजिकल एथेंटिक ग्रंथ मिले उसका अध्ययन करते करते मेरे जिंदगी के 28 साल गुजर गए, और अभी भी मैं व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काशी, काशी के बारे में 0% समझ पाया। अब छोटा सा कहकर मैं लाइन दे दूंगा इन लोगों को, हमारे हिंदुस्तान नहीं हमारे पूरे विश्व में 7 अजूबे हैं, उन 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारे भारतवर्ष में ताजमहल है, लेकिन देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ की राजधानी श्री काशी में तो सब अजूबा ही अजूबा है, जिसमें हम 50 तो हम गिना सकते हैं, मगर 2-4 बता देते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती, दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो अधो भाग में स्थित होने पर भी स्वर्ग से ऊपर है, दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो पृथ्वी पर बद्ध होने पर भी मुक्ति का दान करती है, दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर से कश्यप नंदन सूर्य को भी प्रकाश ग्रहण कराता है,
दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु 33 कोटि देवता भी उस शहर में रहने के लिए लालायित रहते हैं। दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर के प्राणियों के जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त नहीं लिखते। दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो शैल पर्वत से पहले लोहित पर्वत पर खड़ा होकर देखने से ब्रह्मांड में सिर्फ वही शहर दिखाई देता है। दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो जीवित है निर्जीव नहीं है। और दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ एक पल भी अशुभ नहीं होता 24 आवर्स सुबह ही शुभ होता है। और दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो अनंत नामा है अर्थात उसके अनंत नाम है। ऐसे अद्भुत और ऐसे अलौकिक शहर का शुभ नाम है जहाँ का कड़कड़ है पारस वह शहर है बनारस अर्थात देवाधिदेव महादेव की मोक्ष दायिनी परम पावन धाम श्री काशी। काशी विश्वनाथ नाम से ही अपने आप को पता चलता है कि बसे हैं काशी में और नाथ हैं सारे विश्व के। 750 अरब लोगों में हम कुछ गिने चुने लोगों को बाबा ने चुना है अपनी सेवा के लिए, तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। और गाने लिखने का मुझे निमित्त बनाया है बाबा जी, दिलीप जी का आभार, उनके टीम का आभार। काम है वो करवा लेंगे, कुछ कहने बोलने जैसा है नहीं। काशी अनंत है, काशी की महिमा अनंत है। जितने मोटी चुन पाऊंगा उस महासागर से प्रयास करूंगा जनमानस तक पहुंचे और सब तक बाबा की महिमा पहुँचे सब। और अब काशी बन ही रहा है, ये बहुत उचित अवसर है कि उनकी महिमा जिन लोगों तक नहीं पहुँची है उन तक भी पहुँचे। सारा संसार उनका अपना परिवार सब तक बाबा की बात पहुँचे, बस यही प्रयास करेंगे। जय भोला। मेरा नाम कीर्तिका चौहान है और मैं क्रिएटिव हेड हूँ सीरियल की। और बाकी मुझे जैसे ही दिलीप सर जी सर ने बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में, सीरियल के बारे में, तो पहली बात तो मैं भोलेनाथ की वैसे भी डिवोटी हूँ और मुझे भोलेनाथ से बहुत प्यार है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जैसे ही मैंने काशी विश्वनाथ का सोचा तो उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। मेरा ये था कि मुझे ये करना है ये सीरियल, तो एनी हाउ मुझे ये करना था। और मेरे और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बट मैंने उसके लिए इसके लिए स्पेशली टाइम निकाला है, मुझे ये सीरियल करना है। तो ये हेलो हाँ जी, आज हमारा शूट है, अभी आज चलेगा, देन इसके बाद भी हमारा कंटिन्यू है 45 डेज। बहुत जल्द से जल्द कोशिश है कि आपको देखने को मिलेगा, पहले शूट्स होगा देन उसके बाद ही रिलीज होगा। जी, मेरा नाम देवता शुभर जी है, इस शो का मैं कास्टिंग करता हूँ। जब ये शो 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था कास्टिंग, जबकि हम लोग एक शो बना रहे हैं, तब से ये यूनिट तैयार हुआ अपने आप में। बहुत सारी माइलस्टोन्स आई, बहुत नए नए फेसेस का ट्राई किया, अच्छे फेसेस चाहिए। इसमें कुछ यूनिट कास्ट भी है जिनको हमने काम दिया शो में, और कुछ बड़े लोगों के साथ हमें काम करने का मौका मिला। थोड़ा चैलेंजिंग था बट अच्छा था। इतना है कि तो अगर आप देखेंगे तो ये शो इतना अच्छा आने वाले टाइम में दिखेगा आपको कि आप कहेंगे कि दूसरा रामायण या फिर दूसरा दिवंगत महादेव बनने जा रहा है। तो आप लोगों को शुभकामनाएं कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय दांडेकर है। काशी विश्वनाथ सीरियल के माध्यम से मैं जिंदगी में तीसरी बार नंदी का कैरेक्टर प्ले करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने मराठी सीरियल में 2 बार नंदी का कैरेक्टर किया है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि नंदी जो है वो धैर्य और तपस्या का प्रतीक है, तो इस शो के लिए मैं मेरा धैर्य और तपस्या दिखाऊंगा और मैं अभिनय के माध्यम से आप सबका दिल जीतने का प्रयास करूंगा। आपकी शुभकामनाओं की ज़रूरत है, आपका आशीर्वाद बना रहे।